नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस कुछ नहीं करना आपको, ये अभी थोड़े से लहसुन और प्याज जीरा डाला है, जीरा डाल दिया है अभी। यह एक मिनट मसाले को ये इसको भी पकने देना है, क्योंकि प्याज तक वो अंदर से भूनते नहीं है जब तक कोई और मसाले का नहीं होता है। ये इसमें मसाला डाला है, कुछ नहीं करना है, हिलने दो हिलने दो, पकने दो मसाले को। हिलाते रहिए आप, जैसे मसाला पक गया है पूरी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक और एक सुहाना मसाला आता है वो डाला है। ये सब लिखा हुआ है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब इसको कुछ करना है आपको, थोड़ी देर इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से पकने देना है। जब तक मसाला ये पकता नहीं है जब तक सब्ज़ी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको 2 मिनट तक इसको मसाले को पकने देना है। गाइस पकने देते हैं मसाले को। ये पक रहा है मसाला, अभी तक पक रहा है, पकने देते हैं। और अच्छे से हिलाए, अच्छे से पकने दें इसको। जो टेस्ट है वो इसी मसाले का है, पूरा बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये इधर मेरे बैंगन की सब्जी कटिंग हो रही है। मसाले को अच्छा पकने दे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो, उसका भी ध्यान रखें। ये मेरे मसाले पक गया है, ये मेरे पिताजी है, पिताजी रख रहे हैं मसाला इधर, कटिंग वटिंग सब तैयार है। बस इसको मैं हिला रहा हूँ, मैं हिला रहा हूँ अभी। अब इसमें बैंगन पत्ता, बैंगन डाल दिए, थोड़े सूखे, आपको अलग से सूखे प्याज डालने हैं इसमें, मतलब कच्चे प्याज, ठीक है। ये ध्यान रखना आप ये नहीं भूलें, तो आपको पता ही है। थोड़ी देर इसको भूनते हैं, हिलाना पड़ता है मसाला पूरी तरह। अब आपको इसको नहीं वो डालना है, थोड़ा हल्का हल्का पानी डालने के बाद आपको दिखे आप हिला रहे हैं। अब इसको थोड़ी देर तक ऐसे हिलाना है, फिर क्या करना है, थोड़ा पानी डाल के अभी आगे देखते जाओ आप, ऐसे ही होगा। पानी डालेंगे अभी, थोड़ा और पानी डालेंगे। ये देखो पानी डाला। अब गाइस कुछ नहीं करना है, अब ये ढक देंगे। तो गाइस मिलते हैं। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो, और ऐसे ही से वीडियो बने।